रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज मैं वेजिटेबल राइस बनाने लगी हूँ, वो भी चाइनीज़ स्टाइल में। तो जिसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो ये, मैंने गाजर ली है तकरीबन 2 अदद मैंने ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के। 1 कप मैंने लिए हैं मटर लिए हैं, आधे से भी हाफ जो है वो मैंने प्याज लिए, और आलू मैंने लिए हैं तकरीबन 2 छोटे साइज़ के, हरा प्याज मैंने लिए तकरीबन 2 से 3, हरी मिर्चें मैंने ली हैं, और तकरीबन ये आधा किलो राइस है जो कि मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं। तो आइए व्यूअर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए व्यूअर बिस्मिल्लाह करते हैं। व्यूअर सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करते हैं, सारी सब्जियां हम फ्राई करते हैं। इसमें सबसे पहले हम प्याज शामिल करेंगे, इसमें हम डालेंगे आप मटर शामिल करेंगे, साथ ही गाजर भी जो है ऐड कर देंगे। इसमें अब हम जो है वो आलू भी शामिल कर देंगे, फिर इसमें हम थोड़ा सा लहसुन ऐड कर देंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, तकरीबन मैं 1/2 टीस्पून जो है वो हाफ से भी कम, मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने डाले हैं। इसमें मिर्चें डाली हैं, तो इसमें मैं 1.5 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून, मसाला पाउडर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून, इसमें ब्लैक पेपर ज़्यादा जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, तो जीरा पाउडर जाएगा इसमें, ये भी 1/2 टीस्पून जाएगा। सारी चीज़ों को भी मिक्स करेंगे हम, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से हमारा मसाला जो है वो गल भी जाए और मिक्स भी हो जाए। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए हमारा। ये जो इसमें अब देखें मसाला हमारा अच्छे से मैश हो गया, इसमें मैंने तकरीबन 1/2 कप जो है वो पानी का लगा दिया। तो अब हम इसमें जो चावल हमारे उबले हुए हैं ये हम शामिल कर देंगे, ये हमने इसमें चावल डाल दिए। अब हम इसमें कच्चा प्याज जो हरा प्याज है ये डाल देंगे, और हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। और इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, भी वो देखते हैं हम राइस हमारे कैसे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसको मिक्स कर लेते हैं हम, देखें जी कितना प्यारा इसका कलर आया। वेजिटेबल का कुछ अपना ही मज़ा होता है। फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो माशाल्लाह भी हमारे वेजिटेबल के जो हमने राइस बनाया बहुत मज़ेदार बने, और देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है? इसके साथ मैंने चिकन और मटन बनाया, शोरबे वाला मटर डाल के मैंने शोरबे वाला बनाया, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ
अल्लाह हाफिज़।